सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2020 की रैंक वर्सेस परसेंटाइल। और ये कोई परफेक्ट डाटा नहीं है यार, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड डाटा है। और जितनी भी रैंक्स आपको दिखाई जाएंगी वो CRL रैंक होंगी, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं होंगी। और एक न्यूज़ यार, जैसे कि आप सबको पता लग ही चुका होगा कि जेई मेंस और एडवांस और नीट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब पोस्टपोन हो चुके हैं। अब जेई मेंस होगा आपका 1-6 सितंबर और जो नीट होगा आपका वो होगा 13 सितंबर एंड और एडवांस होगा आपका 27 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यार जो स्टूडेंट हैं 100% वाले, उनकी जो एक्सपेक्टेड रैंक्स हैं आएंगी आ सकती हैं वो है यार 1-50। अगर आप 100 से 99.9 के बीच में हैं तो आपकी रैंक 50-1133 आ सकती है। अगर 99.9 से लेकर 99.8 तक आपकी परसेंटाइल आ रही है तो आपकी 1133 के से लेके 2265 तक आपकी रैंक आ सकती है। अगर इसी तरह से 99.8 से लेकर 99.7 तक आपकी रैंक परसेंटाइल है तो आपकी जो रैंक होगी यार वो 2265 से लेकर 3400 तक आ सकती है। अगर 99.7 से लेकर 99.6 तक आपकी परसेंटाइल है तो आपकी रैंक 4535 के अंडर आ सकती है। अगर आपकी परसेंटाइल इसी तरीके से 99.6 से लेके 99.5 के बीच में है तो आपकी रैंक 5665 के बीच में आ सकती है। यार ये एक्सपेक्टेड रैंक्स हैं, मैं ये कोई परफेक्ट डाटा नहीं है, ये आपकी रैंक ऐसी आ सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आएंगी। अगर आपकी परसेंटाइल है 99.4 से लेके 99.0 तक तो आपकी जो रैंक है वो 11325 के अंदर आ सकती है। अगर हम बात करें 99.0 से लेकर 98.5 तक तो आपकी रैंक 17000 के अंदर आ सकती है। 98.5 से लेकर 98.0 तक तो आपकी 22656 रैंक आ सकती है। अगर 98 से लेकर हम चले 97.5 तक तो आपकी 28322 के बीच में अंडर रैंक आ सकती है। 97.5 से लेकर 97.0 तक आपकी 34000 के अंडर रैंक आपकी आ सकती है। 97 से लेकर 96.5 तक आपकी 39654 तक आपकी आ सकती है। अगर बात करें 96.5 से लेकर 96.0 तक तो 45320 तक आपकी रैंक आ सकती है। और जितने भी कॉलेजेस होते हैं यार वो इसी रैंक तक आपको मिलते हैं। अच्छे कॉलेज जो होते हैं ऊपर के NIT आपको मिलती है 20,000 से 25,000 तक, और जो IIITs हैं वो आपको 45,000 to 50,000 तक मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें GFTIs की तो यार 1,00,000 तक आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आपका जेई मेंस से प्राइवेट कॉलेज में और अलग कॉलेजेस में एडमिशन होता है। अब बात कर लेते हैं 96.0 से लेकर 95.5 तक के रैंक की तो आपको 50,286 तक आपकी रैंक आ सकती है। 95.5 से लेकर 95.0 तक आपकी 56,652 तक आपकी रैंक आ सकती है। अब 95.0 से लेकर 94.0 तक अगर देखें तो 67,977 अप्रॉक्स 68,000 तक आपकी आ सकती है। 94.0 से लेकर 93.0 के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल है तो 79,302 तक आपकी एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है। 93.0 से लेकर 92.0 तक अगर हम देखें तो आपकी 90,627 अप्रॉक्स 91,000 आप लेके चलिए इतने तक आपकी रैंक आ सकती है। 92.0 से लेकर 91.0 तक अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपकी अंडर 1,00,000 आप आ सकते हैं, 1,02,000 तक। अगर अब और नीचे चलें तो 90.0 से लेकर 85.0 तक आपकी अगर परसेंटाइल है तो आपकी 1,69,000 अप्रॉक्स 1,70,000 तक आपकी रैंक आ सकती है। 85.0 से लेके 80.0 तक लेके चलें तो 2,26,527 तक आपकी एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है। 80.0 से लेके 75.0 तक अगर लेके चले 2,83,152 तक आपकी रैंक आ सकती है। 75.0 से लेके चले 70.0 तक तो 3,39,777 तक आपकी एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है। अब थोड़ा तेज चलते हैं यार, 70.0 से लेके 60.0 तक अगर आपकी परसेंटाइल है तो 4,53,027 के अंडर आपकी रैंक आ सकती है। 60.0 से लेके चले 550.0
जीरो तक, तो 566,277 तक आपकी एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है। इसी तरह से 50 to 40 के बीच में आपकी 679,527, 40 to 30 के बीच में आपकी आ सकती है 792,777 और 30 to 20 के बीच में 906,027। और इसके नीचे यार हमने 11 लाख तक इसलिए लिया है क्योंकि 2014-15 में आपके 13 लाख तक जाते थे और लास्ट दो ईयर से जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं वो 9.5 लाख आ रहे हैं, तो एक एवरेज इनका लेके चलते हैं, तो हमने 11 लाख के आसपास लिया है। और अगर आपकी परसेंटाइल है 0 to 10 के बीच में तो आपकी 11,32,527 आपकी आ सकती है। आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आप इस वीडियो को पॉज करके सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा रैंक के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। हैव अ सिया, गुड डे, बाय।